Hello everyone, I am Atyadhan watching the Social Indian and in this video we will be discussing how to tackle English और इस वीडियो को हमने डिवाइड किया है चार पार्ट में। तो पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए इंग्लिश के फॉर DLLB प्रिपरेशन। उसके बाद हम दूसरे सेक्शन में यहाँ पर बात करेंगे आपके लिए कि लास्ट ईयर्स में कितने क्वेश्चन आए हैं इंग्लिश के और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरी जो चीज़ है हम आपसे बात करेंगे कि आप कहाँ से इंग्लिश शो कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं और क्या किया जा सकता है। और चौथा सेक्शन होगा हमारा मास्टर टिप सेक्शन जो आप लोगों को बहुत पसंद आता था और हमने दोबारा से इस वीडियो से उसे कंटिन्यू करने की कोशिश की है। तो मास्टर टिप में हम आपको आखिरी में ये बताएंगे कि कैसे आप इंग्लिश को और इंप्रूव कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो जब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करता हूं इंग्लिश में तो आपको सबसे पहले तो दिखेगा आपकी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी एक दिन में बिल्ड नहीं की जा सकती है, आपको ही पता है जो आपकी बचपन से चलती आ रही है वो धीरे 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 बिल्ड होती है। अब कोई बात नहीं, अगर आपकी पहले से अच्छी नहीं है तो अभी भी आपके पास एम्पल टाइम है, आप थोड़ी बहुत धीरे 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 रोज 100 वर्ड 200 वर्ड प्रैक्टिस किया कीजिए, उससे आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद बात आती है सिनोनिम एंटोनिम्स की। सिनोनिम एंटोनिम्स यहां पर क्वेश्चन जो है वो दो दो तीन तीन क्वेश्चन हर बार जो है जैसे देखने को मिल जाते थे। तो सिनोनिम एंटोनिम्स आपको पता होना चाहिए। अब उसके लिए पढ़ने का तरीका आपके लिए ये है कि जब आप सिनोनिम पढ़ रहे हो तो साथ ही साथ आप एंटोनिम भी उस शब्द का देख लें। तो उससे क्या होगा, जब आप एक शब्द पढ़ रहे होंगे, एक वर्ड पढ़ रहे होंगे तो आपके दूसरे वर्ड्स अपने आप साथ में क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपकी आती है वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी के लिए आप ज्यादा करें तो कोशिश ये आप कर सकते हैं कि प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जो चौथा जो पॉइंट आ जाता है, टॉपिक आ जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है इडियम्स एंड फ्रेज। इडियम्स एंड फ्रेज कहावतें जो बड़े बूढ़े कहकर गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप भूल मत जाइएगा। एक या दो क्वेश्चन आपको वहां से भी देखने को मिल सकते हैं। अब यहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात आती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात वहां पर आती है, आपको सेंटेंस दिया गया होता है और उसमें आपसे पूछा जाता है कि यहां पर आपको कौन सा वर्ड लग रहा है जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, जो इसको यहां पर बता सकता है। उसके बाद यहां पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात आती है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपके टेंसेस लगते हैं मैक्सिमम तौर पर, जो हमारा अगला टॉपिक होगा टेंसेस। उसके साथ साथ आपकी जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं वो यहां पर आपके लिए इंग्लिश में लगती हैं और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपके लिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, जंबल वर्ड्स भी हो सकते हैं या फिर आपके लिए कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आप एग्जाम में देखेंगे। और वो आपको कैसे पता लगेंगी, वो आप देख सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स पर। तो टेंसेज जैसा मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टेंसेज आपको पता होना चाहिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आपको चार बेटों के हिसाब से चीजें पढ़ाई गई होंगी, आप तीन बेटों के हिसाब से पढ़ लीजिए। अब यहां पर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आपका टेंसेज यानी काल सही रहेगा तभी आपका भूतकाल अच्छा होगा और तभी आपका भविष्यकाल भी अच्छा होगा। अब उसके बाद या प्रपोजिशंस की, तो प्रपोजिशंस कहां कहां पे यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, वो आपके ओमिशन में आ सकते हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें आ जाती हैं तो उन सभी को आप देख लीजिएगा। एक्टिव और पैसिव वॉइस आप जरूर देख लीजिएगा, उससे क्या है आपका फायदा होगा। चलिए तो ये तो थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं कि पिछले सालों में कितने क्वेश्चंस आते रहे हैं इंग्लिश से। अब अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल तो पेपर का पैटर्न बिल्कुल ही उलट गया था। वैसे अगर हम देखें तो DLLB का पैटर्न हर बार उलट पलट जाता है, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज पर आप भरोसा कर पेपर पैटर्न के भरोसे यहां पर नहीं बैठ सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि लास्ट ईयर का अगर हम पेपर छोड़ दें, लास्ट ईयर इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत कम आए थे, अगर उसके पहले की बात करें, हम 2018 की बात करें, 2017 की बात करें, उससे पहले की बात करें, तो इंग्लिश 20% के आसपास आपका 20-25% आपका कवर करती होती है। अब अगर 20-25% आपका कोई कवर करता है सिलेबस तो वो सिलेबस आपके लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। अब पहली चीज आपके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है पिछले साल इसके क्वेश्चन नहीं आए थे लेकिन इस साल इसके क्वेश्चन आ जाएं, या हो सकता है पिछले साल वाला पेपर पैटर्न जो है वो ट्रेंड कंटिन्यू रहे और इस साल भी क्वेश्चन ना आए। लेकिन दोनों ही केस में आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। प्रोबेबिलिटी आपको भी नहीं पता है क्या आने वाला एग्जाम में, मुझे भी नहीं पता है क्या आने वाला एग्जाम में, क्योंकि ना मैं आप भगवान है ना मैं भगवान हूं। तो उस चीज को अपनी चीज को ध्यान रखिएगा और सभी सब्जेक्ट्स को समान तैयारी दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा इंप्रूव करके जाइएगा। अब इंग्लिश की हमने ये बात की, लास्ट ईयर्स के पेपर के हिसाब से अगर आप देखें तो अगर हम सभी का एवरेज देखें तो यहाँ पर 20-25% कह सकते हैं, लेकिन अगर इमीडिएट लास्ट ईयर का देखें तो कम क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आप तैयारी कर लीजिएगा इंग्लिश की, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर में काम नहीं आती आपके लाइफ में तो काम आएगी ही आएगी। अब तीसरा पॉइंट, वेयर टू स्टडी। अब वेयर टू स्टडी के लिए यहाँ पर इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है। अगर आप ग्रामर इंप्रूव करना चाहते हैं अपनी तो आप रेनन मार्टिन की तरफ जा सकते हैं। रेनन मार्टिन से मुझे नहीं लगता उससे बेटर कोई ग्रामर यहाँ पर है इंग्लिश की हमारे पास। या फिर आप जा सकते हैं, नीतू सिंह की किताब है प्लिंट टू पैरामाउंट, आप उसे भी देख सकते हैं।
या फिर आपके पास कोई भी जो DULLB की गाइड है आप उसके भी थ्रू देख सकते हैं। आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है आपकी प्रैक्टिस और हार्डवर्क से। अब अगर आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं और आप कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं भी खरीद पा रहे हैं तो आप हमें जरूर मैसेज कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे छोड़ दूंगा और हम आपको जो है वो पेड स्टडी मटेरियल जो हमारा इंग्लिश का आप वो भी ले सकते हैं। चलिए उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ मास्टर टिप की। आज की मास्टर टिप वो है जिसको आपको गांठ बांध के रखनी है, चाहे आप तिजोरी में रख के आइए चाहे आप समुद्र में फेंक कर आइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बात आपके दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए। तो वो मास्टर टिप आज के लिए ये है कि इंग्लिश में आपको दो स्टेज में काम करना पड़ेगा, एक स्टेज में काम करने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहली स्टेज के बारे में मैं बात करता हूं। तो पहली स्टेज में आपको क्या करना है कि आपको कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पकड़ना है। जैसे मान लीजिए आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस पकड़ लिया। अब एक्टिव और पैसिव वॉइस आपने पकड़ लिया तो आप पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन यहां पर पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस पढ़िए, क्वेश्चंस चेक करिए, 10 या 15 क्वेश्चन में पहले आप एनालाइज करिए कि कैसे क्वेश्चन यहां पर आपके पूछे जा रहे हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप पर आप आइए और उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कीजिए जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो स्टेज टू में अब हम आते हैं। स्टेज वन में हमने देखा कि हम एक एक टॉपिक को एक एक क्वेश्चन वाइज यहां पर डिस्कस कर रहे हैं और एक एक यहां पर टॉपिक्स हम खत्म कर रहे थे। तो वहां पर हमारे लिए जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो एक ही टॉपिक के एक साथ आ रहे थे ताकि हम उस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। स्टेज टू में आपको क्या करना है कि इंग्लिश के सारे क्वेश्चन उठाने हैं जो मिक्स्ड अप क्वेश्चन है, यहाँ पर टॉपिक्स के अलग हिसाब से डिवाइडेड नहीं है, तो आपको अलग मिक्सअप क्वेश्चन उठाने हैं। कहीं से भी आप उठाइए, मॉक से उठाइए, कहीं से भी लीजिए, लेकिन उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए ताकि जो आपके दिमाग में आपने जो टॉपिक वाइज बनाया था फ्लो कि टॉपिक वाइज जब आप क्वेश्चन कर रहे थे तो आपके आंसर सही आने लग गए थे, तो अब बिना टॉपिक वाइज कहीं भी कुछ भी शफल होकर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी आप बहुत अच्छे से सही कर पाए। इससे दो चीजों का इंप्रूवमेंट होगा। पहली चीज तो आपकी इंप्रूव होगी कि आपको एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, कहीं भी कुछ भी अरेंजमेंट होगा उसका तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। और दूसरी चीज ये, इससे आपकी जो जनरल इंग्लिश है वो भी इंप्रूव होगी क्योंकि शफल करने के बाद आपको पता नहीं होता ये कौन से टॉपिक से कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन आया है। तो ये दोनों स्टेज में अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आई होप आपके लिए इंग्लिश की बहुत अच्छी हो जाएगी तैयारी। हम कोशिश करेंगे कि इंडिविजुअली एक एक सब्जेक्ट के लिए भी एक एक टॉपिक के लिए भी आप लोगों के लिए यहां पर वीडियो बना पाए, लेकिन जितना हो पाएगा हम उतना आपके लिए करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आप बस अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमने आपकी वीडियो बनाकर बहुत मदद की हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं जल्दी ही नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस में। भारत माता की जय। जय हिंद।